हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज है ये है गो प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेटा को इंसर्ट करने के बारे में, टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक सिटी को गेट किया था और जो पॉपुलेशन है उसको गेट किया था, और हम लोगों ने अपने लॉग में प्रिंट करा के भी इसको देखा था, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे मैं FMT के जगह पे मैं अब लॉग यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लॉग, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और FMT के जगह पे आपको रिप्लेस करके यहाँ पे लॉग करना है, क्योंकि लॉग में होगा कि वो अगेन उसको बार बार प्रिंट करते रहेगा, नेक्स्ट लाइन में जाके अगेन जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको प्रिंट करेगा। FMT में होता है कि वो उसी अगर वहाँ पे ऑलरेडी है वो तो उसको वो दोबारा से अपेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अब उसके बाद हम इसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग को पहले कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने इंसर्ट डॉट गो में, जो फाइल हम लोग ने ऑलरेडी बनाया था इसमें से कुछ चीज़ हम लोग को चाहिए, जैसे कि डेटाबेस SQL, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, और जो SQL का जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग के पास इंपोर्टेड है। इसको थोड़ा सा मैं लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे HTML टेम्पलेट है, और ऊपर आपको जो गो का ड्राइवर है MySQL का वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्ट डॉट गो में हम लोग जाएंगे नीचे, और जो DB का कनेक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं बल्कि मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, जो पूरा सेक्शन है, ठीक है, जो कि FMT इसको छोड़ के ये पूरा जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसके जगह पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। पूरा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको सारे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अब पहले तो हम लोग डेटा को गेट कर लिए अपने फॉर्म से, यहाँ पे फॉर्म से हम लोग गेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो MySQL का उसका कनेक्शन बना लिए हैं, यहाँ पे DB को क्लोज कर दिए, ठीक है। और अगर एरर आता है तो यहाँ पे वो हैंडल हो जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे लॉग में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्प्ले कराया है, और SQL क्यूरी यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है, सेम। और उसके बाद से फिर इस SQL क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करा लिए हैं, ओके। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि जो एरर है, ठीक है, जो एरर है उसको पेनिक यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्प्ले करा लिए हैं। इसको भी मैं क्या करता हूँ लॉग में ही मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे लास्ट आईडी को हम लोग गेट कर लिए हैं, अगर लास्ट आईडी होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर एरर होता है तो यहाँ पे एरर को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एरर को भी यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं FMT तो हम लोग यूज कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे लॉग ही यूज करें तो यहाँ पे लॉग यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पास करें, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म से गेट किए हैं वैल्यू उसको हम लोग को यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिटी के जगह पर हम लोग ने सिटी गेट किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरह से मैं इसको यूज करता हूँ, और यहाँ पे प्लस का साइन देता हूँ, और यहाँ पे सिटी को पास कर दूंगा। ये क्या करेगा गाइज कि यहाँ पे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेगा, उसके बाद से मैंने जो ये चल रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको क्लोज किया, और इसके अंदर सिटी जो वेरिएबल हम लोग का है उसको पास कर दिया, और ये प्लस से मैंने इसको कंकेटिनेट करा दिया, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस हम लोग को यहाँ भी करना है, ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पास करना है हम लोग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसको हम लोग क्लोज करेंगे, जो बाहर वाला ये चल रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे कैनकैडिनेट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग डबल प्लस साइन देंगे, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन को सेम पास कर देंगे, ठीक है, ये पास हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने गो के अंदर, और यहाँ पे मैं रन कराता हूँ गो रन फॉर
form.go, ओके इंटर बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टिंग मोर, ओके अनएक्सपेक्टेड फोर्टी फाइव में ये एरर है, ओके यहाँ पे हम लोग एक डॉट को हो गया है, ये डॉट हम लोग को नहीं चाहिए, केवल हम लोग को यहाँ पे प्लस ही चाहिए, ठीक है। तो डॉट से भी एक्चुअली कितने जगह पे कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कनेक्ट कराया जाता है लाइक पीएचपी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस यूज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म रिलोड हो गया, ठीक है। टेबल में अभी हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ रांची के लिए और यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ पॉपुलेशन दे दिया, ठीक है। सबमिट करता हूँ और यहाँ पे देखिए सबमिट हो गया और यहाँ पे लास्ट आईडी जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लास्ट आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। टेबल में हम लोग चेक करते हैं तो टेबल में भी आप देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ओके। अगेन मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे कोई और मैं देता हूँ और यहाँ पे पॉपुलेशन दे दिया, सबमिट किया इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग को इसको एक बार और रन कराना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट इंसर्टेड आईडी टू और यहाँ पे रन हुआ और अगेन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे कोलकाता के लिए भी डेटा इंसर्ट हो गया है, ओके। तो गाइज आपने देखा कि हम लोग डायनेमिकली फॉर्म से हम लोग डेटा को कैसे इसमें टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं और अब जो डायनेमिक है उसको और हम लोग अपने गो में कैसे यूज कर सकते हैं विथ टेम्पलेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी आपको टेम्पलेट लगाना है, जैसे भी आपको डिजाइन करना है वैसे आप कर सकते हैं और उसके अंदर आपने देखा कि फॉर्म को कैसे हम लोग सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो में तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।